सर कैसी लगी मूवी? अच्छी थी। क्या अच्छा लगा मूवी के अंदर? एक्टिंग अच्छी। सर कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया मूवी, मजा आया। क्या अच्छा लगा मूवी के अंदर? A1। कैसी लगी? फर्स्ट क्लास। सर कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी। कैसी लगी मूवी? क्या अच्छा लगा मूवी के अंदर? मैम कैसी लगी मूवी? अच्छी थी, काफी। मूवी के अंदर क्या अच्छा लगा? एनिमेशन बहुत अच्छा है, अंडर वाटर फिल्माई गई। सर कैसे लगी मूवी? बढ़िया बढ़िया। अंडर वाटर सीन्स कैसे लगे? अरे 3D इफेक्ट शानदार थे, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, इस मूवी को जब आपने देखा तो आपको मतलब लगा ना कहीं बोर तो नहीं कर रही थी? नहीं नहीं नहीं, जो मजा आता बेहतरीन, एक नंबर मजा आ गया। थैंक यू। शानदार। मैम कैसे लगी मूवी? बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा लगा मूवी के अंदर? एनिमेशन, एनिमेशन। अच्छा, मूवी के ना कॉमेडी है कहीं पे? हाँ, थोड़ा थोड़ा है। मजा आता मूवी देखने में? 10 out of 9। सर कैसे लगी मूवी? अच्छी थी। मूवी के ना क्या अच्छा लगा? अच्छा था, VFX अच्छा था, सारी चीज़ें, कहानी भी अच्छी थी। अच्छा, बहुत अच्छा था। इस मूवी का हिंदी डब कैसा था? हिंदी डब अच्छा था सर। अच्छा, बहुत अच्छा था। जब आप इस मूवी को देखते कहीं पे बोर तो नहीं होते हैं? नहीं, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो था, सेकंड हाफ बहुत अच्छा था। इस मूवी को बनाने में 13 साल की मेहनत लगी है सर की, तो आपको लगता है कि वो 13 साल दिख रहे फिल्म के अंदर? जी दिख रहे हैं। सर आपको कैसी लगी? बहुत बहुत बेहतरीन मूवी है। 3D व्यू बहुत अच्छा था इस मूवी में। अच्छा, एट लास्ट में फादर का जो अपने फैमिली के प्रति डेडिकेशन है वो देखने को मिल सकता है इसमें। आप ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे इस मूवी को? बिल्कुल बिल्कुल करूँगा कि ऑडियंस को देखना चाहिए। इसमें फैमिली बॉन्ड को भी, फैमिली बॉन्ड का ही पता चलता है। दूसरा कि अपन एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाके रहते तो उसके बारे में अपन को इस मूवी में अंदाजा लग जाता है। अच्छा, 10 में से कितने स्टार देंगे? 10 में से 9.5 देना चाहूँगा। अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा कंटेंट है। सर कैसी लगी मूवी? अच्छी थी सर। मूवी के अंदर क्या अच्छा लगा? मतलब पूरी मूवी अच्छी थी, बहुत अच्छी। मूवी के अंदर क्या अच्छा लगा? क्या कहते हैं, साइंस फिक्शन है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मूवी के CGI इफेक्ट्स कैसे लगे? बेहतरीन बेहतरीन। हिंदी डब कैसा लगा? जी हिंदी डब, हिंदी डब भी बहुत शानदार। अच्छा, 10 में से कितने स्टार थे? 10 में से 9.5। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी। मूवी के ना सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? सो ग्राफिक्स, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, मूवी 3 घंटे 13 मिनट की, तो आप कहीं पे बोर होते हैं? बिल्कुल नहीं, वर्थ इट है। अच्छा, जेम्स कैमरून सर ने इस मूवी को बनाने में 13 साल की मेहनत लगाई है, आपको नजर आते हैं? हाँ जी, हम तो चाहते हैं और पार्ट इसके रिलीज हो। अच्छा, कुल मिलाकर के मजा आता मूवी? बहुत बहुत मजा आता है। 10 out of 10। सर कैसी लगी मूवी? अल्टीमेट मूवी, VFX बहुत कमाल के थे, बजट वसूल है, पैसा वसूल है। पैसा वसूल। आप ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे? मस्ट वॉच मूवी है, फर्स्ट पास देख के आइए, बहुत प्यारी मूवी है, मजा आता, मजा आ गया। 10 में से कितने स्टार देंगे? 11 out of 10। सर कैसे लगे? ओनली एंड अच्छा है, ओनली एंड अच्छा है, शुरुआत अच्छी नहीं है। क्यों यार, बोरिंग लगी मेरे को? सब तो तारीफ कर रहे हैं, एंड में अच्छी है, लास्ट के आधे घंटे सही है। अच्छा, सर कैसे लगी मूवी? हाँ, थोड़ी बोरिंग मूवी है, बाकी क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है। क्लाइमेक्स अच्छा है, क्लाइमेक्स वर्थ है, लास्ट के 45 मिनट्स बहुत अच्छे। मूवी के CGI कैसे? CGI ग्राफिक्स बहुत शानदार है, 5 out of 5। बाकी मूवी थोड़ी सी बोर करती बीच में, पर लास्ट वर्थ है। सर कैसे लगी मूवी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूवी के अंदर क्या अच्छा लगा? VFX बहुत बढ़िया लगे, और इनसे पूछिए ये बहुत ज्यादा पसंद करते। आपको कैसे लगी सर मूवी? ठीक थी, काफी सही थी। अच्छा, मूवी के CGI VFX कैसे थे? बहुत बढ़िया थे, पिछली वाली फिल्म से तो काफी बढ़िया थे। मूवी के जो अंडर वाटर सीन्स थे वो कैसे नजर आया आपको? जो पानी के अंदर के सीन है वो कैसे लगे? बढ़िया थे, मतलब इस टाइप के सीन अभी तक किसी मूवी में नहीं देखे। अच्छा, कहीं पे बोर तो नहीं करती फिल्म? बोर थोड़ा स्टोरी लग रही है, स्लो चल रही हो। अच्छा अच्छा, 10 में से कितने स्टार देंगे आप? 10 में से 8-9, मतलब काफी सही थी। ठीक ठीक। मूवी फंटास्टिक है। अच्छा, मूवी की सबसे अच्छी बात क्या है? VFX उसके। VFX अंडर वाटर सीन से जो पानी वाले, वो एक नंबर है, लाजवाब। अच्छा, मूवी 3 घंटे की है, कहीं पे बोर तो नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप इस मूवी को किस लिए देखना आए थे? अवतार 1 देखी है आपने? अवतार 1 देखी है मैंने। वो कैसे लगी आपको? वो लाजवाब लगी। तो उससे बेस्ट ये वाला पार्ट है ये कि वाला पार्ट ज्यादा बेस्ट था? नहीं नहीं, वो फर्स्ट टाइम था तो वो बेटर लगा था इससे, लेकिन ये भी मतलब इक्वल है, मतलब ये है, बस दिक्कत ये है कि जो क्लाइमेक्स के लिए वेट कर रहे थे थर्ड पार्ट के लिए, वो शायद मिस हो गया शायद। अच्छा, आप पहले आ गए? नहीं नहीं, अरे मैं भी लास्ट तक वेट किया, बोला कि नहीं है कुछ वहाँ, बिल्कुल लास्ट तक वेट नहीं किया। नहीं था ना? नहीं, उन्होंने दिखाया नहीं है, मैं वेट कर रहा था। आपने गलती कर दी आगे। सॉरी यार। 10 out of कितने स्टार देंगे आप? 10 out of 8, 2 and 9 तो रहेगा। सर कैसे लगी मूवी? बहुत शानदार है। आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी? बिल्कुल श्योरली। अच्छा, मूवी की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सर कैसी लगी? स्क्रीन प्ले, VFX और स्टोरी लाइन, प्लॉट, सब कुछ एक नंबर। आपको स्मूथ लगता है या फिर लगता कहीं पे बोर कर रही है? नहीं, हल्का सा लेंथ ज्यादा हो गई है, बट वो भी कुछ नहीं। मूवी का हिंदी डब कैसा है? अच्छा है, मजेदार है, कॉमेडी थोड़ा ज्यादा है। 10 out of कितने स्टार देंगे?
9.5. मैम कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी लगी भैया। मूवी के अंदर आपको जो अंडरवाटर सीन्स थे वो कैसे लगे? बहुत ही शानदार थे भैया, मैं तो 1% भी बोर नहीं हुई किसी भी जगह। अच्छा आप जब मूवी को देख रहे थे तो इंटरवल का पहले का जो पार्ट था वो ज्यादा इंटरेस्टेड लगा या सेकंड हाफ? सेकंड पार्ट इज मोर इंटरेस्टिंग देन फर्स्ट पार्ट। अच्छा, मूवी के जो विजुअल्स है, जो उनकी आंखें बताई गई है और जो उनके एनिमल्स है, पहले वाले से ज़्यादा बेटर लगे? पहले वाले से ज़्यादा बेटर है आंखें उनकी, मतलब अपन आंखें पिछले वाली से ज़्यादा ग्लो कर रही हैं उनकी। अच्छा। अलग देखने को मिल रही है उनके चेहरे में, और बहुत सी चीज़ें हैं जो पिछले वाले से उन्हें सुधार की है। वैसे ही नो आपने 3D में देखी 2D में? नहीं 3D में देखी। 3D में? 2D में क्या ही मतलब रहेगा, कहते हो यार क्या? मतलब कि आपको लगता है कि आपके पैसे वसूल हो गए? पैसे तो वसूल होने ही थे, जेम्स कैमरन पे पूरा भरोसा था। मतलब 13 साल की मेहनत है, तो आपको लगता है कि वो मेहनत दिख रही है? मेहनत पूरी पूरी दिख रही है, और जो मतलब समंदर के अंदर के सीन थे, जो अंडर वाटर सीन्स हैं, वो अभी तक मतलब पहली बार ही महसूस किए हैं ऐसे सीन। अच्छा। ऐसे सीन और कहीं देखने को मिल भी नहीं सकते हैं जहाँ तक है। हाँ। और मूवी बहुत ही अच्छी है, मतलब बॉलीवुड से तो क्या, बॉलीवुड तो देखना ही नहीं चाहिए, ये देखो यार बनाया हुआ है। ठीक है, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड में अभी जमीन आसमान का अंदर है। बाकी कुल मिलाकर के कितने स्टार देंगे आप? देखो मैं तो 8 ही दूंगा। देखो 10 में, हाँ 8 देंगे। दो स्टार किस वजह से काटोगे? थोड़ी लेंथ बड़ी हो गई है, और मूवी जो है बिल्कुल एक रिदम में ही चलती गई, मतलब ऊपर नीचे कहीं गई नहीं। हाँ। कि मतलब कुछ शौक सा लग जाता है मूवी में कि पीछे नीचे, मतलब एक स्मूथ सी चलती गई है। अच्छा। आपने जो अवतार 1 देखी थी तो उसके अंदर क्या था, चोटी से कनेक्ट करते थे? हाँ, तो इसके अंदर भी अंडर वाटर जो जानवर हो रहे, जो एनिमल्स हैं, उनको उसको भी चोटी से कनेक्ट करते हैं? हाँ करते हैं, चोटी से कनेक्ट जानवर, हाँ जानवरों को करते हैं, अंदर जाके करते हैं, करते हैं ना। हाँ, और उनकी वो क्या, उनकी देवी होती है क्या, वो इसमें भी हैं जो अंडर वाटर है, उसमें उससे भी कनेक्ट किया है उन्होंने। बाकी मज़ा आया मूवी के अंदर, बहुत मज़ा आया। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। बाबा कैसी लगी फाइनली मूवी? अल्टीमेट मूवी है, बहुत शानदार मूवी है। सब कुछ अच्छा है मूवी में। क्या अच्छा लगा मूवी में? सबसे बड़ी बात, फिल्म की स्टोरी बहुत इंगेजिंग है, बहुत अच्छी मूवी है, और फिल्म थोड़ी बड़ी है लेकिन कहीं बोर नहीं करती फिल्म, और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं पहली वाली मूवी से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेड करा उसने। जेम्स कैमरन ने इस मूवी को बनाने में 13 साल दिए जीवन के, लगता है कि वो मेहनत लगता है, लगता है, लगता है। देखिए काम दिखता है स्क्रीन पर, और सभी कलाकारों की मेहनत दिखती है स्क्रीन पर, और उससे भी बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि पहली वाली से ही चीज़ें उठाकर कॉपी कर दी। उसकी उसका कंटेंट बिल्कुल अलग था, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग था, वो जमीन की कहानी थी, पानी के अंदर की कहानी है, बिल्कुल एकदम मैं कहूँगा पूरा रुख बदल दिया कहानी का। विजुअल्स कैसे मूवी? बहुत अच्छे, मतलब फिल्म में जितने भी सीन दिखाए ना वो अल्टीमेट दिखाए, मतलब जैसे आप 3D मूवीज देखते हो तो आपको कुछ एक जगहों पर ऐसा लगता है कि चश्मा निकाल देना चाहिए तो भी मूवी ठीक ठीक, बट इस मूवी में आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं बोर हो रहे हो, कहीं मूवी इंगेज नहीं कर पा रही है, मूवी एंड तक आपको इंगेजिंग लगती है। अच्छा, मूवी के जो एक्शन सीन्स है वो कितना तगड़े? बहुत बढ़िया, मतलब मुझे याद है पहली वाली फिल्म में जो सोल्जर थे, जो उसमें जो ओल्ड कैरेक्टर थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, तो इसमें वैसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाया तो वो देखने में बहुत इंगेजिंग और बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस मूवी के अंदर कहा जाता है कि जो स्टोरी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, एकदम स्मूथ स्टोरी स्टोरी कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ स्टोरी कहीं ना कहीं पहली वाली से 21 ही है,